आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी त्यांच्या विधानाविषयी माफी मागण्यास स्पष्ट नकार दिलाय. महत्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी माझ्यावर आरोप केले जात आहेत असा आरोप त्यांनी केलाय. प्रत्येक पेपरमध्ये रेप इन इंडियाची बातमी वाचायला मिळते आहे असं मी म्हटलं होतं. नरेंद्र मोदी हिंसेचा वापर करतात. आज संपूर्ण देशामध्ये हिंसाचार सुरू आहे असं मी म्हटलं होतं. त्यामुळे मी या विधानावर माफी मागणार नाही असं राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलंय. मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं. उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है. दूसरी बात, मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है. अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं. मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला. मैं रिपीट कर देता हूं. मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा. हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा. मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है. कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं हो रहा है. उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है. बीजेपी के एमएलए ने लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया. नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं. देखिए हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है. महिलाओं पे हिंसा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है, कश्मीर में हिंसा हो रही है, पूरे देश में हिंसा ही हिंसा है. और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी. आज रघुराम राजन जी मेरे से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती है. अत्याचार, डिविजन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है. जो हमारा रेप्यूटेशन था वो पूरा का पूरा उड़ा दिया है. ये बातें मैंने कल अपनी स्पीच में कही. नरेंद्र मोदी जी को यह भी जवाब देना है, महिलाओं की बात तो है मगर यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको उन्होंने नष्ट क्यों किया. ये भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान के युवा जिनके पास रोजगार था उनसे नरेंद्र मोदी ने रोजगार क्यों छीना.